हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नेट, इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। लर्न करना है तो लर्नेट पे आइए। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, तो उसमें हम लोगों ने कवर किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। आज भी वही है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे और कुछ टर्म्स जो बहुत ही कॉमन थ्रू आउट द सिलेबस आपको सुनने को मिलेंगे, उन टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अभी से अगर आप लोग अवेयर रहोगे ना उस टर्म्स के बारे में, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा व्हाट इज़ लायबिलिटी, व्हाट इज़ एसेट्स, व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर, व्हाट आर दी एक्सपेंसेस, व्हाट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ रिवेन्यू। तो ये चीज़ें बार बार आपको हर्डल्स ना आए याद करने में, प्रॉब्लम ना आए, तो बिगनिंग में ये हम लोग समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये अब नई चीज़ें आ रही हैं, राइट? तो इनसे रिलेटेड टर्म्स आगे भी आते रहेंगे, तो आज के लेक्चर में उसको कवर करेंगे। बट अभी थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले ना डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, अगर जनरली मैं बात करूँ, सोचो उसके बारे में कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग को करने का। तो बहुत जनरल सी चीज़ें जो निकल के आती है ना, वो ये निकल के आती है कि भाई अकाउंटिंग करेंगे तभी तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, कोई ट्रांजेक्शन हुई है उसका प्रूफ होगा, कोई रिसिप्ट होगा, वाउचर होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक प्रूफ के लिए, या कोई भी इंसान ना मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि न्यूमेरिकल टर्म्स को याद रखे, ठीक है? मेरी किसी के साथ सेलिंग हुई है, वो है मेरी अमाउंट है 1,66,693 या व्हाटएवर, तो मैं इतनी मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मेरी डेली जो एक ट्रांजेक्शन बताई, बट जो मेरी डेली ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसको मैं इतनी क्लियरली न्यूमेरिकल टर्म्स में याद कर सकूँ। ऐसा ही सबके साथ है। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल टर्म्स को ऑब्वियसली कोई याद नहीं कर सकता, प्रूफ कलेक्ट करने के लिए और आगे के स्टेप्स लेने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, और जो रिपोर्ट निकल के आती है उसको डिफरेंट पार्टीज में कम्युनिकेट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो जो मैंने टर्म बोला ना, तो उससे सबसे पहला जो आपका निकल के आ रहा है, ठीक है, पहला अगर मैं पॉइंट बोलूँ तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली डे टू डे आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग करोगे आप। वही वाली बात है ना, दोबारा से मैं वही बात बोल रही हूँ कि क्यों रिकॉर्ड करते हैं, कि हम लोग इतने स्मार्ट नहीं है, कोई भी इतना ब्रिलियंट नहीं है कि न्यूमेरिकल टर्म्स को याद कर सके। डे टू डे बिजनेस में इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं कि उसको याद करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। तो कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर मैं प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे हमें प्रूफ प्रेजेंट करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो पहला ही फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमें एक प्रूफ बना के रखना पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड है हमारा कैलकुलेशन of profit and loss। obviously हर एक businessman जो business करता है ना, उसको जानना होता है at the end of the year कि मैं कहाँ stand कर रहा हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट है, मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन ने कितना लॉस इनकर किया, ताकि मैं फर्दर स्टेप्स ले सकूं। तो एक एग्जैक्ट प्रॉफिट को जानने के लिए, रेवेन्यूज़ क्या है हमारे बिजनेस के, उसको जानने के लिए ऑब्वियसली हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए, हमारे रेवेन्यूज़ क्या जनरेट हुए। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि लॉस जनरेट हुआ है या प्रॉफिट आया है हमारे पास। तो इसके लिए भी क्या है, हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा, थर्ड है डिपिक्शन ऑफ फिनेंशियल पोजिशन। फिनेंशियल पोजीशन, तो फिनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है, अब देखो आप जब बनाते हो तो पहले आप जनरल एंट्रीज करते हो, रिकॉर्ड करते हो, लेजर पोस्टिंग करते हो, एंड देन ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल पोजिशन है ना बच्चों, वो बैलेंस शीट से पता लगती है। बैलेंस शीट बताता है अगर वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये पता चलता है कि हाँ फिनेंशियल पोजिशन साउंड है। तो या एसेट्स कितने उसमें से डिपिक्ट हो रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, बैलेंस शीट से। तो अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल पोजिशन को पता किया जा सके। अब देखो क्या होता है, फिनेंशियल पोजिशन पता करने से क्या होता है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, तो उनको पता लग जाएगा कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड अगेन जो हमारा मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, उसको भी अपनी एक्चुअल बोल सकते हैं ना, एक्चुअल, एक तो उसने बेंचमार्क सेट किया होगा, उसके अलावा जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, या बोल सकते हैं जो एक्चुअल आउटकम है उसके बिजनेस का, उसके बारे में उसको नॉलेज होगी, तो आगे वो क्या कर सकता है, फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है। और अगर उसको कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स ले सकता है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी बेटर डिसीजन ले सकता है और एक अच्छा बेंचमार्क सेट कर सकता है। तो अब ये था हमारा डिपिक्शन ऑफ फिनेंशियल पोजिशन। थर्ड है हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। अब यूज़र्स कौन से हुए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, यूज़र्स कौन से हो गए हमारे, दो बताए थे मैंने यूज़र्स कौन से होते हैं। एक तो देखो क्या होता है, एक इंटरनल और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल यूज़र। तो ये जो दो यूज़र्स हैं ना, उनका हमेशा क्या होता है, कहीं ना कहीं उनका कंसर्न रहता है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। आइदर अगर बोल दे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी डायरेक्टली हमसे या इनडायरेक्टली हमसे जुड़ी होती है, वो हमसे टैक्स लेती है, उसके अलावा वो देखती है कि जो भी ऑब्लिगेशन है वो हमारी बिज़नेस प्रॉपर पूरी कर रही है या नहीं कर रही है। इन्वेस्टर्स का भी इसी तरीके से हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट जुड़ा रहता है, स्टेक होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रहता है। एंड सेम अगर मैं इंटरनल की बात करूं, तो जो मैनेजमेंट है और बाकी जो कंसर्न पार्टीज हैं, उनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंटरेस्ट होता है अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़ा रहता है, क्योंकि उनको जानना होता है कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या उसकी पोजीशन है, राइट। तो देखो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने क्या बोला, पहला कि जो ये बहुत बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला क्या बोला, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड थर्ड है हमारा डिपिक्शंस ऑफ फिनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, एंड नेक्स्ट इज दी फॉर द यूजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आइदर दे आर एक्सटर्नल यूजर्स और द इंटरनल यूजर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब अगेन क्या है, जो अकाउंटिंग है उसका जो रोल है वो क्या है, क्योंकि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो जो भी उसका इंट्रोडक्शन होगा उसमें आपको उसके रोल को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। तो देखो इसमें बस समझते जाओ, एज अ स्टोरी सुनते जाओ कि क्या क्या रोल है अकाउंटिंग के। पहला हमारा एज अ लैंग्वेज, तो हम ये बोलते हैं ना, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं विद अदर पार्टीज, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल पार्टीज, मतलब जिस लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग क्या, अगर बिजनेस में हमारा प्रॉफिट है लॉस है, तो ये चीज़ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बाय शोइंग दी अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, राइट, कि ये हमारा चिट्ठा है भाई देख लो, ये हमारा प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये फिनेंशियल पोजिशन है हमारी। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे किसी से अपनी बात कम्युनिकेट करनी है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना चिट्ठा दिखाना है, मुझे अपना पोजिशन दिखाना है बाय शोइंग दी अकाउंट्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। नेक्स्ट है हमारा एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ऑब्वियसली हम जो भी क्रोनोलॉजी बना के चलते हैं ना, कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर आगे क्या होता है, कोई ना कोई अमाउंट फर्दर ईयर बाय ईयर पास आउट होता रहता है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो अब देखो ये क्या है, एक हिस्ट्री तो क्रिएट कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपको जानना है कि 2012 में मेरा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा था। तो मैं क्या करूँगी, अपने अकाउंट्स बुक को ओपन करूँगी, या जिस भी, अगर मैं कंप्यूटराइज वे में अकाउंट करती हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने अकाउंट को ओपन करूँगी और चेक करूँगी।
कि क्या खर्चा हुआ था, अभी जो मैं बिल्स पे कर रही हूँ उन दोनों को कंपेयर करूँगी, जो मेरे डीलर्स थे उनके साथ मेरी डील उस टाइम क्या चल रही थी, अब क्या चल रही है। तो ये क्या करता है, हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करता है जिसके बेस पे आप कंपेयर कर सकते हो, या आप प्रूफ रेडी रख सकते हो, या प्लान करने के लिए आपको किसी डेटा की ज़रूरत है तो वो कहाँ से मिलता है, अकाउंट से ही मिलता है। नेक्स्ट है हमारा एज अ करेंट इकोनॉमिक रियलिटी। ऑब्वियसली किसी भी एंटिटी का या एंटरप्राइज की इनकम क्या है, राइट, और एक्चुअल में उसने कितना अर्न किया, ये कहाँ से पता चलेगा, बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है हमारा एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह वर्क करता है, किसके लिए, फॉर एक्सटर्नल यूजर्स एज वेल एज फॉर इंटरनल यूजर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा एज अ कमोडिटी। ओके, ऑब्वियसली ये भी बताता है कि कोई भी कमोडिटी है उसकी डिमांड कब क्या रही, कब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ने किसी कमोडिटी के लिए डिमांड शो की या उसके लिए इंटरेस्ट शो किया, तो ये भी कहाँ से पता चलेगा, बाय नोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो रोल ऑफ अकाउंटिंग, तो ऑब्वियसली बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हमें कहीं तो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, कोई तो प्रूफ मेंटेन करके रखना है, कुछ तो कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए, तो वहीं पे हमारा अकाउंटिंग बेसिक रोल प्ले करता है। अब देखो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक आने वाला है, वो है हमारा बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। क्योंकि अभी आप जो आगे क्लासेस में जाने वाले हो तो या आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना तो ये सारी टर्म्स बार बार रिपीट होंगी, तो अभी से क्या करो उसके बारे में अवेयर हो जाओ ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। टर्म्स क्या क्या आने वाली है, बहुत नॉर्मल सा है, ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट ये अगर पता रहता है तो अच्छा रहता है, और इसी स्टेज पे पता रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार इसको क्लियर करना इट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, तो अब देखो पहला है हमारा, वेरी फर्स्ट इज एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या हो गया, देखो क्या होता है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैसे ही एक कंपनी, एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है, उसका अपना खुद का नाम होता है, अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ बिग बाजार की, राइट, सुपरमार्केट, किसी सुपरमार्केट की मैं बात करूँ तो उसकी अपनी एंटिटी है, अपनी एग्जिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली जो एक टर्म होती है ना बार बार जो एंटिटी आपके लिए आएगी, तो ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस दोनों की अलग है, ऑनर आपका अलग है और एंटिटी जो रन कर रही है वो दोनों डिफरेंट होता है। अगर एज अ ऑनर मैं अपनी ही एंटिटी से कोई चीज़ लेती हूँ तो मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स अगर हो गई तो मुझे कैपिटल में से माइनस करके दिखाना पड़ेगा, तो देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स। सेकेंड है आपका ट्रांजेक्शन। अभी इससे पहले भी ये जो ट्रांजैक्शन वर्ड है ना बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, लेन देन, हिंदी में बोलूँ ना बहुत ही वैसा वाला वर्ड, तो क्या हो गया, लेन देन, आपस में लेन देन करना। ठीक है, मैंने कहीं से कोई मशीन खरीदी तो मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास वो मशीन आ गई, जहाँ से मैंने मशीन खरीदी मैंने उसको कैश पे कर दिया, राइट, तो ये क्या ट्रांजैक्शन ही हुआ मेरे और उसके बीच में। मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, फ्यूल परचेज़ किया, मैंने सेल किया, तो ये क्या हो गया ट्रांजैक्शन, जो डे टू डे बेसिस पे होता है, और सारी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज हमारी जनरल एंट्री बुक में होती है। तो जो डे टू डे बेसिस पे जो भी हम लोग सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, लेन देन जो करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। थर्ड है हमारा एसेट्स। एसेट्स, अब देखो एसेट से तो आप लोग अवेयर हो गए, ये जो वर्ड है क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ होता है, बट यहाँ पे क्या है, एसेट का क्या मतलब हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन की एसेट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एसेट है वो हमें शो करनी पड़ती है। अब एसेट क्या हो गया हमारे, फिक्स्ड, ठीक है, ये बोल सकते हैं फिक्स को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, लाइक जो आपकी फिक्स है,
उसके अलावा आपके करंट भी होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं. नॉन करंट क्या हो गए, ऑब्वियसली हमारे फिक्स्ड वाले हो गए, जिसमें हमारे आते हैं बोल सकते हो आप लोग मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया. और दूसरी साइड क्या है, हमारे करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स में हमारे हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं, जो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए हमारे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, जिनको हम लोग कैश की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो एसेट्स को क्या हो गया, हमारा दो पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं, एक तो हमारा फिक्स हो गया और उसके अलावा सेकंड हमारा क्या हो गया, करंट. ठीक है, दो पार्ट अगर मैंने किया तो फर्स्ट हो गया हमारा फिक्स्ड एंड सेकंड हो गया हमारा करंट. फिक्स क्या हो जाता है कि आप उसको एकदम से अचानक से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट करंट वाला जो होता है वो कैश के इक्विवेलेंट ही होता है, इसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एसेट के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स, वो है हमारा लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटी भी मैंने इससे पहले आपका कई बार ये वर्ड मैंने यूज़ किया. ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या हो जाता है, हमारी ऑब्लिगेशन. लाइबिलिटीज आर अवर ऑब्लीगेशंस, जो हमें पे करनी होती है एनी हाउ, कभी ना कभी हमें पे करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो हमें पे ऑफ करना पड़ेगा. तो दे आर कॉल्ड एज लाइबिलिटी. तो एट द एंड ऑफ द ईयर सारे बिजनेस को पता होना चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, कि हमारी लाइबिलिटी क्या है और हमारे एसेट्स क्या हैं. ठीक है, अगर लाइबिलिटीज हमारे ज़्यादा हो जाती हैं इन कंपेरिजन टू एसेट, तो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या बोलते हैं ना, पहले के ज़माने में उसका दिवालिया निकल गया, तो वही बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का दिवालिया निकल जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी. राइट, अब देखो नेक्स्ट जो टर्म है हमारा कैपिटल. कैपिटल ये भी बार बार आपका यूज होगा. कैपिटल क्या होता है, जो ऑनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, डेट इज कॉल्ड एज कैपिटल. उस कैपिटल के लिए उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और उस कैपिटल से अगर उसने कुछ भी विड्रॉ किया तो उसे एज अ ड्रॉइंग ट्रीट किया जाएगा. अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझो, जो ऑनर है और जो बिजनेस है दोनों सेपरेट चीज है. तो ऑनर ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कैपिटल. ओके, नेक्स्ट हमारा कॉमन सा टर्म है सेल्स. सेल्स क्या हो गया, जो विद इन अ ईयर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ भी बेचा, सेल किया. ठीक है, लाइक कहीं से मटेरियल लाए, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, या फिनिश गुड्स लेके आए, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के हमने उसको सेल किया, तो ऑल ओवर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स. और ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए तो वर्क किया जाता है. अब देखो यहाँ पे जो सेल्स है ना, इसी से रिलेटेड टर्म है हमारा रिवेन्यूज. अक्सर जो बच्चे हैं इन्हीं दोनों टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं. ये हो गया सेल्स. सेल्स हमारा क्या हो गया, जो भी हमने सेल किया, बेचा, जो ट्रांजेक्शन हुई विद दी कस्टमर्स. अब सेल जो है ना, वो डेबिट भी, मतलब सॉरी डेबिट नहीं, क्रेडिट बेस पे भी हो सकता है, मतलब उधार के बेस पे भी हो सकता है. दूसरा उसी से टर्म निकल के आया हमारा रेवेन्यू. रेवेन्यू हमारा क्या हो गया, ये बोल सकते हैं ना कि जो भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए जो हमें अमाउंट, टोटल अमाउंट जो मिलता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू. हम बोलते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन ने या एक्स वाई जेड कंपनी ने इस ईयर में इतना रेवेन्यू जनरेट किया. अब उसमें सारे टर्म्स होते हैं, आप सारी टर्म्स को उसमें इंक्लूड करोगे, चाहे वो कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टीज हो गई, रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑल ओवर रेवेन्यूज में कैलकुलेट की जाएंगी. सेल्स तो क्या हो गया हमारा, जो हमने सेल किया, और रेवेन्यू में ऑल ओवर जो कंपनी के पास मनी के फॉर्म में आया है, जो भी पैसा इनफ्लो हुआ है, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू. नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस. ये जो टर्म है ना बच्चों, एक्सपेंसेस, और इससे ही निकला हुआ एक टर्म है एक्सपेंडिचर. देखो दोनों टर्म की जो स्पेलिंग है ना, अगर कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा जो एक्सपेंस है ना, ये हल्का फुल्का सा वर्ड लग रहा है, और ये थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है. ऐसा लग रहा होगा ना कि ये बड़ा भारी भरकम सा है, तो यहीं से ना डिफरेंस आपको पता चल जाएगा. आगे ये टर्म यूज होने वाला है, तो डिफरेंस कैसे याद रखोगे, एक्सपेंस है थोड़ा हल्का फुल्का है, और एक्सपेंडिचर है जो भारी भरकम शब्द है. तो एक्सपेंस हमारा क्या हो गया,
डे टू डे एक्टिविटी को करने के लिए या जो भी बिजनेस के का वर्क है उसको करने के लिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए किसी भी फॉर्म में, आपने वेजेस दिया, रेंट दिया, सैलरी दी, इंटरेस्ट पे किया, तो दे ऑल विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं एक्सपेंसेस, बहुत भारी भरकम नहीं होते, क्योंकि वर्ड से मैंने बोला ना, वर्ड से कैच करना, बट जो एक्सपेंडिचर होता है ना ये हैवी अमाउंट में होता है। यहाँ से डिफरेंस, एक्सपेंस नॉर्मल अमाउंट बट एक्सपेंडिचर हैवी होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर इज दैट अगर हमने क्या किया, परचेज ऑफ गुड्स, मशीनरी, बिल्डिंग, इस टाइप की चीज़ें जब हम लोगों ने परचेज की तो इस पर ऑब्वियसली जो हमारा खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, जो आउटफ्लो होगा कैश का, वो हैवी होगा। तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंसेस क्या हो गया, जो हमारे डे टू डे आप इनकम दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। और एक्सपेंडिचर का एक और बात है, ये वन टाइम होता है, बट इसका ये करने की वजह से ये बोल सकते हैं एक टेंडेंसी बनती है आपके इनकम की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इससे रिटर्न भी मिलता है और इनकम भी जनरेट होता है। तो वो यहाँ पे बोला गया ना, द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर, इट इज़ ट्रीटेड एज एन एसेट सच एज परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। क्या बोला गया, एक्सपेंडिचर का जो रिटर्न होता है ना, या उसका जो भी इफेक्ट होता है, वो मोर देन अ ईयर आपको रिसीव होता है। और जो एक्सपेंस है ना, लाइक आपने वेजेस पे की, सैलरी पे की, आपने मंथली बेस पे किया, ठीक है, या ईयरली बेस पे किया, तो वो हमारे एक्सपेंसेस हो गए, बट एक्सपेंडिचर हैवी अमाउंट में होता है और इसके लिए जो रिजल्ट मिलता है हमें वो मोर देन अ ईयर मिलता रहता है। नेक्स्ट हमारा सो कॉमन, बहुत ही कॉमन सा चीज़ है हमारा, प्रॉफिट। बट समझना पड़ेगा क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो गया। प्रॉफिट ऑब्वियसली जो भी आपके एक्सपेंस हैं उसके लिए जो पॉजिटिव रेवेन्यू आपके पास आया है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर दी एक्सपेंसेस विल बी कॉल्ड एज अ प्रॉफिट। देखो मैंने बोला ना, सेल्स एक होती है टर्म और एक रेवेन्यू टर्म होती है, तो रेवेन्यू में सारे इनकम को आप लोग इंक्लूड करते हो, बट सेल्स में आप सिर्फ और सिर्फ ये इंक्लूड करते हो कितने की हमने सेल की। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जब आप रेवेन्यू में से ऑल ओवर एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, जो आउटकम निकल के आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट टर्म भी बार बार आपका यूज होगा थ्रू आउट द सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेन। अब देखो प्रॉफिट हम लोग का पक्का पता होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट को जज करेंगे, कोई ना कोई प्रॉफिट निकालेंगे, इसके बारे में हमें पता होता है। बट गेन क्या होता है ना, गेन अचानक से होने वाली चीज़ है। अचानक से आप किसी प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट कर रहे थे, बट अचानक से उसमें एप्रिसिएशन हो गया, उससे आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये अचानक से होने वाली जो चीज़ें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। जैसे इसमें देखो, अ प्रॉफिट डेट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। इंसिडेंटल मतलब अचानक से होने वाला, सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। आपने अचानक से फिक्स एसेट को सेल किया, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू अब निल हो चुकी थी, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल गया, राइट। तो डेट विल बी ट्रीटेड एज गेन। अब गेन, ये जो प्रॉफिट है, गेन है, इनसे ही एक वर्ड निकल के आया है आपका लॉस, अपोजिट वर्ड है। तो लॉस हमारा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं ना, चोरी हो गया, ठीक है, चोरी हो गया, फायर हो गई, तो किसी ना किसी तरीके से आपको लॉस इनकर करना पड़ा। या दूसरा जो प्रॉफिट के टर्म में अगर मैं बात करूं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस एक्सीड कर रहे हैं आपके रेवेन्यू को, तो ऑब्वियसली आपको लॉस हुआ। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं बट आपकी जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस। जो बचपन में पढ़ा था ना हम लोग, निकालते थे प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, बस वही वाला फंडा यहाँ पे है। एक और इसमें नई चीज़ क्या है कि भाई कुछ चोरी हो गया, फायर हो गई, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका लॉस ही होगा। अब नेक्स्ट है हमारा टर्म डिस्काउंट, ये भी आएगा।
अभी तक आप लोग शॉपिंग करने जाते होगे तो वहाँ पे आप देखते होगे ना इतना परसेंट डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है। तो बिजनेस में अभी आप उनके लिए कस्टमर थे और कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई सुपरमार्केट आपको ये ऑफर देता था, राइट। बट यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट दो तरीके से है, ठीक है। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, राइट, फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हो गया, जब आपने कोई भी बोल सकते हैं ना, कोई भी परचेज किया, ठीक है, और आपने एक डिडक्शन शो कर दी एट अ फिक्स परसेंटेज। लाइक अगर आप तुरंत मुझे सेलिंग के टाइम पे सेलिंग जब हुआ तभी आपने कुछ परसेंटेज ऑफ डिडक्शन दे दिया, राइट, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम किसी भी बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं, डायरेक्टली जो भी आपकी परचेजेस होंगी उसमें से आप उसको डिडक्ट करके ही अकाउंट में शो करते हो, बट इस टर्म से आपको अवेयर होना पड़ेगा। लाइक एट द टाइम ऑफ परचेजिंग या हम जब सेल कर रहे हैं तो हमने तुरंत एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिडक्शन प्रोवाइड कर दिया, ये टर्म आपको होना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना अकाउंट्स के तो वहाँ पर ये टर्म यूजफुल होगा। आप दिखाते नहीं हो किसी बुक में बट आपको ये डिडक्ट करके शो करना होता है, ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है। तो अभी से याद कर लो कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, जब आप एक पर्टिकुलर डिडक्शन प्रोवाइड करते हो एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल व्हाटएवर, तो वो हमारा हो गया ट्रेड डिस्काउंट। एंड नेक्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट क्या हो गया, जब आप कोई शर्त रखते हो कि अगर आपने विद इन दैट पीरियड अगर मुझे इतना अमाउंट पे कर दिया तो मैं आपको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट प्रोवाइड करूँगा या करूँगी, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। एक टाइम से पेमेंट मिलने के लिए आप उसको मोटिवेट करते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट देके, ताकि वो विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड आपका अमाउंट पे कर दे, आपको कैश पे कर दे, तो डेट विल बी कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या हो गए, दो हो गए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आप किसी बुक में शो नहीं करते हो और कैश डिस्काउंट आपको डिडक्ट करके शो करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि जो पेमेंट है ना आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसके लिए आप लालच देते हो कि भाई आप लालच में आ जाओ और हमें जल्दी से पे कर दो, इतना हम आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे। नेक्स्ट है हमारा वाउचर। देखो यहाँ पे क्या है, जब आप किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में एक बोल सकते हैं सपोर्ट में हम पेपर रखते हैं कि ये मेरा सेल हुआ, तो अब ये सेल हुआ इसके लिए मुझे कुछ प्रूफ रखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर। अगर हम लोग बोलते हैं ना, अगर कैश लेके और दे के हमने गुड्स को परचेज किया या हमने सेल किया तो उसको कुछ प्रूफ देते हैं, तो उसी प्रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर। जैसे द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। हर एक ट्रांजैक्शन के साथ आपको एक वाउचर मिलता है जो ये प्रूव होता है कि दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो हमारा टर्म क्या हो गया, वाउचर। ये भी आपका जनरली इस सिलेबस में आपका यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा गुड्स। गुड्स क्या हो गए, माल, हिंदी में बोले माल, जो हम लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, वो हमारे क्या हो गए, गुड्स। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। देखो, इट्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डेलिंग, दैट इज इन टर्म्स ऑफ विच इट इज बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। गुड्स कुछ भी हो सकता है जिसमें वो बिजनेस एंटरप्राइज डील कर रही है। आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो तो जिस चीज़ को आप सेल कर रहे हो डेट विल बी ट्रीटेड एज गुड्स फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप टेबल्स बेच रहे हो, ठीक है, आप चेयर्स बेच रहे हो, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो गए, गुड्स हो गए। और अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर एग्जांपल नॉर्मल चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बेचती है और वहाँ पर टेबल और चेयर यूज़ हो रही है, तब वो टेबल चेयर आपकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स की तरह यूज़ होंगी, एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट अगर आप टेबल चेयर का ही बिजनेस कर रहे हैं, मशीन का ही बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो गई, गुड्स। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉइंग्स। अभी ऊपर आपने पढ़ा ना कैपिटल, तो अब देखो मैंने बोला कि दोनों एंटिटीज़ जो होती हैं, जो ऑनर होता है और जो बिजनेस होता है, दोनों अलग अलग होता है। तो ड्राइंग्स क्या हो गया, जब ऑनर अपनी ही बिजनेस में से कभी पैसा लेता है या कोई सामान लेता है। अब सोचो किसी की किसी चीज़ की दुकान है तो वो सेम चीज़ वो कहीं और से तो परचेज करने जाएगा नहीं, राइट,
तो ऑब्वियसली अपनी उस दुकान से, उस बिजनेस से उसने वो चीज़ को ले लिया। तो जब ऑनर ही अपने बिजनेस से कुछ लेता है अपने यूज़ के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ गुड्स, तो उसको एज अ ड्रॉइंग ट्रीट किया जाता है, जिसे हम लोग ऑनर की इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट कर देते हैं। और जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, कैपिटल। कैपिटल में आप लोग शो करते हो। तो अब मान लो ए 1 लाख की कैपिटल है और उसने 5,000 का ड्राइंग कर लिया, तो अब उसकी जो कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितनी हो जाएगी, 95,000। ड्राइंग से ही होता है, जब ऑनर ही अपनी एंटरप्राइज से कुछ विड्रॉ करता है, डेट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट है हमारा परचेजेस। ये सिंपल है आपका, परचेजेस क्या होता है, जो भी हम लोग सेल करने के पर्पस से, या ये बोल सकते हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में, जिसको हम लोग फिनिश गुड्स बना के बेचने वाले हैं, वो हमारी क्या हो गई, परचेजेस। कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न हर टाइप की चीज़ें परचेज करता है अपनी बिजनेस से रिलेटेड, तो बिजनेस रिलेटेड जो भी आप चीज़ें खरीद रहे हो वो हमारी क्या हो गई, परचेजेज। ये कॉमन टर्म है जिससे, मतलब अगर आप नॉन कॉमर्स वाले भी हैं तो आप उससे अवेयर होंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या हो गया हमारा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने गुड्स अवेलेबल है। अब ये देखो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, स्टॉक तुरंत आया, फिर स्टॉक में कुछ मॉडिफाई करके उसको सेमी फिनिश गुड्स बनाया गया, फिर सेमी फिनिश गुड्स से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया गया, बट अभी तक वो बिका नहीं है, हमारे पास एज इट इज़ रखा हुआ है, हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक, या फिर इसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इन्वेंट्री अगर टर्म कहीं यूज होता है तो आप समझ जाना कि स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों सेम टर्म है। तो क्या हो गया, जो हमारे पास अवेलेबल है डेट विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक। और जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों टर्म्स आपके यूज होते हैं, मतलब जब आपने ईयर शुरू किया तब आपके पास कितना स्टॉक था, और जब ईयर एंड हो रहा है तो अब आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहता है कि मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है और कितना नहीं। नेक्स्ट है हमारा, इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ समझाती हूँ, डेटर्स। देखो इसमें जो डेटर्स है ना, लिखा तो डेब्टर्स है बट जो टी है वो हमारा साइलेंट होता है, तो इसको आप लोग हमेशा कैसे प्रोनंशिएट करोगे, डेटर्स। नेक्स्ट टर्म है हमारा क्रेडिटर्स। तो देखो एक है हमारा डेटर्स, जिसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या बोल सकते हैं, देनदार, और क्रेडिटर्स हमारे क्या हो गए, लेनदार। तो जो ये वर्ड है इसी से आइडिया लगा होगा कि मतलब जिनको हमें देना है, मतलब जो हम लोगों को पे करेंगे वो हमारे क्या हो गए, डेटर्स। ठीक है, हाँ, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स हैं क्योंकि स्टिल उनको कुछ ना कुछ हमें पे करना है। उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स, जो हमसे लेने वाले हैं, हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें कुछ ना कुछ अमाउंट उनको पे करना है, तो वो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर्स, और दूसरे क्या हो गए, हमारे डेटर्स। तो इसमें आप सुनोगे अक्सर ये वर्ड यूज़ होगा, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वहाँ पे आप समझ जाना कि डेटर्स क्या हो गए, जो हमें पे करने वाले हैं, और क्रेडिटर्स क्या हो गए, जिन्हें हम पे करने वाले हैं। तो यही थे हमारे नॉर्मल से टर्म्स जो आपके अक्सर अकाउंट्स में यूज़ होते हैं। एक बार फिर से सारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियसली हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ये जानने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। क्योंकि देखो जब तक हमें प्रॉफिट लॉस का आइडिया नहीं रहेगा तो फर्दर हम उसके लिए मोटिवेट नहीं रहेंगे कि हमें क्या काम करना है, या हमारा प्लान ऑफ एक्शन उसके अकॉर्डिंग रेडी नहीं कर पाएंगे। फिर फिनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, साउंड है कि नहीं, हम अपनी ऑब्लिगेशंस डेब्ट्स को पे ऑफ करने के लायक हैं कि नहीं, फिर उसके यूज़र्स कौन कौन से हैं, तो उन यूज़र्स के लिए भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, तभी वो फर्दर हमारी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, उनको पता होगा एक्चुअल चिट्ठा ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब रोल क्या हो गया, हर एक तरीके से वो हमारे लिए अलग अलग तरीके से वर्क करता है। वो हम बोल सकते हैं ना, हमारी बिजनेस के लिए एक लैंग्वेज है, हमारी बिजनेस के लिए एक प्रूफ है, और हमारे बिजनेस के लिए फर्दर प्लान ऑफ एक्शन है। हर तरीके से अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है। इसके बिना बिजनेस ना तो सक्सेसफुल हो सकता है ना रन कर सकता है, क्योंकि हर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है। इवन आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इतना इंटेलिजेंट होगा कि जो डे टू डे ट्रांजेक्शन को लर्न कर सके, डे टू डे जो भी चीज़ें हुई हैं, एक्टिविटीज़ हो, न्यूमेरिकल टर्म्स को लर्न कर सके। तो बोल सकते हैं अकाउंटिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर आगे हमने देखा नॉर्मल टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स देखो वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इस टर्म का मतलब क्या है, उस टर्म का मतलब क्या है, बट अवेयर रहोगे तो आगे के लेक्चर्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, बार बार बताना नहीं पड़ेगा किसका मतलब क्या होता है। देखो एंटिटी क्या हो गया, ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये बोल सकते हैं कि उसका अपना नाम होता है, उसके बेस पे अकाउंटिंग की जाती है। ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी, जो भी लिया जो भी दिया लेन देन हुई उसको आप लोग नोट करते हो, तो जो लेन देन हुई है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। और नेक्स्ट है हमारा एसेट्स। तो ऑब्वियसली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी फिक्स्ड या करेंट फॉर्म में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, एसेट्स अवेलेबल है, बोल सकते हैं बिल्डिंग है, प्लांट है, लैंड है, मशीनरी है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल्स, तो वो हमारे क्या हो गए, एसेट्स। फिर देखो नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें पे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा कैपिटल, मतलब जो जिसको लगाकर कंपनी को स्टार्ट किया गया है और जिसके बेस पे कंपनी का कंपनी को रन कराया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। फिर है हमारा सेल्स। सेल्स क्या हो गया, जो भी हम लोग बेचते हैं उससे जो भी मनी निकल के आती है उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, दैट इज द सेल्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है सेल्स से ही जुड़ा हुआ टर्म हमने आज सीखा, वो क्या था, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या हो गया, ऑल ओवर जो भी मनी ऑर्गेनाइजेशन के पास आई है डेट विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू। फिर रेवेन्यू के बाद दो टर्म्स ये, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर हमने सीखा। एक्सपेंसेस क्या हो गए हमारे, जो नॉर्मल आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस, आप सैलरी एंड वेजेस जितनी चीज़ें पे करते हो, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो हैवी अमाउंट में होता है और जिसका फ़ायदा आपको आने वाले कई सालों तक मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। फिर हमने देखा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया, ऑब्वियसली रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो भी आपकी रेवेन्यू जनरेट होके आई है, मिला है आपको, उसमें सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जो बचा वो क्या हो गया, प्रॉफिट। और गेन क्या हुआ, जो अचानक से आपने लैंड सेल किया, बिल्डिंग सेल किया, तो अचानक से कभी जो प्रॉफिट हो गया वो हमारा हो जाएगा गेन। लॉस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके मतलब आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, लॉस। फिर है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दो तरीके से होता है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जब आप क्या करते हो, तुरंत एक पर्टिकुलर परसेंटेज को डिडक्ट करके आप प्रोवाइड कर देते हो डिस्काउंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड। और कैश डिस्काउंट जब आप बोलते हो कि अगर आप इतने टाइम पीरियड में हमारा जो भी अमाउंट है उसको पे कर दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट में शो किया जाता है और कैश डिस्काउंट शो नहीं किया जाता, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। ओके, याद कर लेना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बोलने में। वाउचर। वाउचर क्या, एज अ प्रूफ वर्क करता है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनके सपोर्ट में हम जो एविडेंस शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर। गुड्स क्या हो गया, जिसमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है। ड्राइंग्स क्या हो गया, जब ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन खुद विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए जो चीज़ें ली जाती हैं डेट विल बी ट्रीटेड एज अ ड्राइंग। ओके, एंड फिर नेक्स्ट है हमारा परचेजेस। ऑब्वियसली जो भी हम लोग परचेज करते हैं, उसके बाद हमारा परचेज से ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारा है स्टॉक। मतलब जो आप अपने पास स्टॉक करके रखते हो, जो आप सेल करने वाले हो, आइदर वो बोल सकते हैं रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश गुड्स हो, या कम्प्लीटली फिनिश गुड्स हो बट स्टिल आपके पास अवेलेबल है, तो दे विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक। फिर अगला टर्म है हमारा डेटर्स एंड क्रेडिटर। डेटर्स जो हमें देने वाले हैं और क्रेडिटर्स जो हमें हमसे लेने वाले हैं, मतलब
हमने उनसे उधार लिया है तो वो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर्स, और जिन्होंने हमसे उधार लिया है तो वो हमारे क्या हो गए, डेटर्स। तो डेट इज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा डिटेल में विद एग्जांपल समझने की कोशिश की बेसिक टर्म्स ऑफ दी अकाउंटिंग। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे के लेक्चर्स कुछ ना कुछ ये रिलेट करेंगे और बार बार ये टर्म्स आपके यूज़ होंगे, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लेना। ओके, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी लाइव आके उसको क्लियर करूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।